बीते दिन पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों अपने दो विधायकां दे पुत्रां नूं तरस दे आधार ते सरकारी नौकरी देण दा ऐलान कीता गया, जिस तों बाद विरोधी पार्टियां ने कैप्टन दे खिलाफ मोर्चा खोल दिता है। श्रोमणी अकाली दल दे साबका माल मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने इन्हां नियुक्तियां नूं लै के नियमां अते MLA दी आर्थिकता ते सवाल खड़े कीते ने। मजीठिया ने कहा कि तरस दे आधार ते नौकरी मंगण वाले ने भी शर्म नहीं की, देन वाले ने भी हद्दां टप्पियां ने। अपनी कुर्सी बचाउण दे लई कैप्टन करोड़पति विधायकां दे पुत्रां नूं नौकरियां दे रहा है, जो कि शर्मनाक है। इस नाल ही मजीठिया ने राहुल गांधी ते भी तंज कसिया है अते कहा कि जेकर कैप्टन दी कुर्सी ते गल आई तां कैप्टन राहुल गांधी नूं भी कॉन्स्टेबल ला सकते ने। होर की कुछ खुलासे कीते बिक्रम सिंह मजीठिया ने, तुसी आप ही सुन लवो। बड़े विस्तार नाल सारी गल्लां थोड़े अगे रखियां ने। मेरी तो सब तो पहले ही डिमांड है इहदे दैट गवर्नर साहब कोल एक बहुत वड्डी ऑपरचुनिटी आई है और हिस्टरी उहनां नूं जज करूगी कि उहनां दे अखां दे सामने एक तो हुंदा ना जी टेबल दे थल्लों कोई पैसे दे गया, उहनां दी अखां दे सामने खरीदो फरोख्त चल रही है और ये फिट केस है इस सरकार नूं डिसमिस करन दा। सो मैं डिमांड करदा गवर्नर साहब कोल कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार नूं डिसमिस होना चाहिदा, डिसमिस गवर्नर साहब नूं करना चाहिदा, क्योंकि खरीदो फरोख्त हुण सामने ही चल रही है। और कमाल दी गल ये होगी, शायद राहुल गांधी जी का भी अज उहनां दा जन्मदिन भी है और मैनू लगता शाम तक ये खबर भी आ सकती है कि जे कप्तान साहब नूं लग्या कि राहुल गांधी मेरी सरकार नूं हटाउणा चाहुंदा तो तरस दी आधार दी नौकरी तो उहनूं भी मिल सकती है इंस्पैक्टर दी या ASI दी है, तो भावें वह नहीं इस काम दे फिट। मैं समझदा कांस्टेबल दी भी नौकरी देनी कांस्टेबल भाईचारे नूं अपमानित करन दी गल है, क्योंकि इहने आके बेड़ा गर्क उधर भी कर देना, मगर जे तरस दी आधार दी असल हकदार तो फिर राहुल गांधी पप्पू बनिया। कमाल दी गल होगी, खरीदो फरोख्त कैबिनेट दी मोहर नाल लग रही है हुण कि इहदी सपोर्ट मिल जू फतेह दी, इहदा मुंडा ला दिओ इंस्पैक्टर, और वह लैण वाले दी भी कमाल होगी। मैं तो उहदा मैं क्योंकि देखो वैसे तो थोनू भी पता मैनू भी पता अज उन्होंने भावें मेरे ते तो बहुत औखे होना सारे ने, मगर मैं हुण करा कि जी जां उन्हां दी शिफ्ट कर दिया ते जां सच्चाई गल रख दिया। मैं तो कोई होर नहीं, तुसी कोठी तो उन्हां दी वेखी होनी नॉर्थ सैक्टर च, थोड़े सब का यह जहाँ सुपना रहिंदा कि असी भी कितें यह जी कोठी च रह जाइए आली शान महल च। मैं लगता वह कोठी की तुसी वैल्यू कढ लो जाके तो 40-50 करोड़ रुपया इको कोठी की, फगैट एवरीथिंग एल्स, जिहड़ी मोहाली कप्तान साहब के जंगल के आले दुआले जिनी उन्हां कोल जमीन है, क्योंकि वह उस रिपोर्ट से भी इन्हों का जिक्र आया सीगा, जिहड़े जस्टिस साहब रहे अपने जस्टिस कुलदीप सिंह जी ने, या होर भी बड़ा कुछ आया, और इलैक्शन उन्होंने आपका एफीडेविट फाइल किया, ये इन्होंने अपनी इनकम 33-34 करोड़ रुपया डिकलेयर की। और बाजवा साहब ने आज थोड़ी खबर लगी है एक, देखो इन्हां नूं कौन जानदा सब तो चंगी तरह, मैं तो नहीं, वैसे साडे नाल तो थोड़ा अमृतसरों कातियां का फर्क रह जाता, मगर इन्हां दे गवांढी इमीजिएट नेबर परिवार चो आ तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा जी ने, और इन्हां दी गल तो बड़ी सही की, थोड़ा जिहा जिक्र चीमा साहब ने किया, मैं वह गल तो फिर नहीं जानता कि पहला तरस के आधार से नौकरी तो देख ली, पहला ये तो वेख लो कि होया की सी, और नहीं थोनू विश्वास तो बाजवा जी पुछ लो सारी गल ही दस देंगे। फिर उन्होंने बाजवा जी ने कहा, तृप्त बाजवा जी ने, कि 3 करोड़ की तो यह गड्डी ते चढ़दा ते फिर ये 3 करोड़ की गड्डी ते चढ़ के आऊगा उत्थे थाने, लैण वाले की कमाल हो गई ते देण वाले ने तो अंत ही करती ना। तो हले भी जे गवर्नर साहब डजन टेक सू मोटो नोटिस, इट विल बी अ ब्लैक डे इन ए डेमोक्रेसी के नौते,
कि शरेआम ही खरीदो फरोत चल रही है, शरेआम। और उस शरेआम खरीदो फरोत ते सोनिया गांधी भी, राहुल गांधी भी, ते अफसोस नाल पैना पैंदा कि गवर्नर साहब भी अखां मीची बैठे। ये श्रोमणी अकाली दल इस गल नूं कदे बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूजे आ चीमा साहब ने तो सारी फैमिली हिस्ट्री देती, तो हले चीमा साहब ने वैसे तो गल सारी दसती कि वह सरकारी नौकरी छड के कैबिनेट वजीर बन गए हैं, मगर की तुसी ये हिसाब लाया कि इन्हां दे घर च पेंशन कितनी जांदी होनी, टोटल उहदा जोड़ लाया। तरस दे आधार दी जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट दी जजमेंट है उहदियां धज्जियां उड़ातियां एक सरकार बचाउण दे पिछे। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी क्लीयरली की किया है, या सरकार पंजाब सरकार की कहिंदी है तरस दे आधार दा की मतलब कि जिहड़ा तुहाडे परिवार दा ब्रैड अर्नर सी उसकी डैथ हो जाती है, वो नैक्सट ऑफ किन नू, क्योंकि वो परिवार की सारी आमदन खलो गई है, वो कोई पैसा नहीं रह गया दो वक्त की रोटी खाण नू, बच्चों की फीस देन नू, इसलिए तुसी उते तर्ज करो तो उन्हें नौकरी दो। ये नहीं कहा सी कि करोड़पतियां नू नौकरियां दे दियो, और उहदियां धज्जियां उड़ाती हैं सुप्रीम कोर्ट दे। और नैक्सट ऑफ किन नू, ये नहीं कि जिहड़ा बच्चा हले जम्मिया ही नहीं सी उहनूं भी नौकरी देती, मतलब एक नवी परिभाषा करती है, नवी नहीं है, तो क्लीयर कट केस ऑफ करप्शन है। मैं कहना करप्शन का परचा अज पंजाब प्रदेश कांग्रेस का प्रधान सुनील जाखड़ जाके जे लोगों के प्रति सच्चा तो दर्ज करावे सारी कैबिनेट के कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ शरेआम खरीदो परो चल रही है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की असल चेहरा अज दुनिया अगे नंगा हो रहा। और ये दूजे दो जेड़े लाए है भाई साहब बिट्टू जी दे भाई रवनीत बिट्टू, गल्लां देखो किड्डियां वड्डियां वड्डियां करदा देश दियां के, और बेअंत सिंह जी दियां, मैनूं तां पहलां इह पूरी तरस करना चाहीदा सी। ते जिहड़े एनकाउंटर किलिंग बेअंत सिंह दे राज च हजारां बच्चियां दे होए, सब तो पहलां तां उहनां ते तरस करना चाहीदा सी, उह तां तरस कीता नहीं तुसीं। और जिहड़े परिवार कोल एडे आली आली शान करोड़ां रुपये करोड़पति होण, उहनां दे मुंडे नूं डिप्टी लाता। मैं अगे पांडे जी आ गया, अगे वह कांगड़ साहब का सन इन लॉ, हुण पता लग्या मैं जिवें तुहानूं कहा कि शाम तक कोई वड्डी गल नहीं, जे राहुल गांधी की खबर लग जूगी कि आज जन्मदिन की खुशी से सरकार बचाउण की खुशी से पप्पू नूं असीं कॉन्सटेबल भर्ती करते, मैं मजाक बनाता यार। जिहड़े किसान खुदकुशी वाले परिवार सी जिन्हां दे वाकई तरसयोग हालात है, जिन्हां चों एक परिवार नहीं परिवार बरनाले की खबर तुसी सारिआं ने छापी सी, ग्रैंडफादर फिर फादर फिर बच्चा एक जी नहीं रह गया, कल्ली वो बुजुर्ग लेडी रह गई, उत्ते तरस ना आया थानूं। आ पैरा ओलंपियंस ने जिहड़े किन्ने किन्ने तुरे फिरदे, जिन्हां ने देश का नौ रोशन किया, अज वो हद तक महसूस कर रहे कि साडा इलाज है, वो उन्होंने आप ही करता। नौकरी ना मिलने से नाराज होकर 14 खिलाड़ियों ने सीएम हाउस अगे जाके आपके मैडल मोड़न का मन बना लिया। अज शहीद जेड़े किसानी अंदोलन च 500 परिवार हो गया, उन्होंने थानू तरस ना आया? 2000 के नेड़े जदों की थोड़ी सरकार बनी है, जिन्हां नाल तुसी गुटका साहब की सहु खाधी सी, जिन्हां तलवंडी साहब बाबा गुरु गोबिंद सिंह जी के महाराज के चरणों की सहु खाधी सी कि असी इन्हां नू एक नौकरी देवांगे तरसते, 10 लाख रुपए मदद देवांगे, कर्जा माफ करांगे, कि उन्हां किसानों से थानू तरस ना आया? अज इस तरीके की अज पंजाबियों नू अज सारे असी आप शर्म महसूस कर रहे हैं कि अज की जुलूस कट के रखता है पंजाब की विधानसभा का कांग्रेस पार्टी ने। और मैं अज सारे नौजवानों नू अपील करदा कि इन्हां सारे वजीरां दी एमएलए दी मौजूदा सरकार दी मुख्यमंत्री दी एडी जबरदस्त घेराबंदी होनी चाहिए। टीचर जिन्हां नाल मैनीफेस्टो का वायदा सी
बेरोजगार अध्यापकों का वह कोई टेंकी ते चढ़ रहा है, अज भी सवेरे कुट खाधी है सिंगले का घराओ करन वेले उहदी गड्डी का, कल भी स्कूला का उत्थे स्कूल के दफ्तर ते चढ़े है, पटियाले रोज कुट खा रहे, बेइज्जत हो रहे हैं, उन्हां ते तरस ना आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि उन्हां दे करके वह सरकार नूं डेगण की अज समर्था नहीं रखते, भावें 22 दी वोटां च रखते हैं, मगर क्योंकि अज केवल तो केवल MLA की लोड़ है शरेआम करप्शन। कांग्रेस पार्टी का असल चेहरा दुनिया अगे बेनकाब हो रहा कि यह हुण लीगलाइज कर रहे हैं करप्शन नूं, और उस ते मोर ला रहे हैं सिर्फ ते सिर्फ। तुसी तां की खबर लाओगे? मतलब वेखो ना, खबर का निचोड़ वेखो, ये नहीं कि शाम नूं फलाने दे घर बैग पहुँच गया, कैबिनेट नहीं फोर मोर लाती, फलाने का मुंडा इंस्पैक्टर बन गया सवेरे, ये कप्तान साहब के हक च नित्रू और नित्र भी रहे। जिहड़े वजीर कहिंदे सी असीं मूंह नहीं वेखना चाहुंदे, उह ऐ कतार च इक कतार च खलोते है, गोल पोस्ट ही शिफ्ट करता, रौला सी मुख्यमंत्री नाल ते पा लिया वह सुरेश कुमार नाल, उहदा की लेना देना भाई? गए तो तुसी दिल्ली, मतलब सुरेश कुमार दे उल्ट भुगत के आए सी कि कप्तान साहब की कारगुजारी दे उल्ट भुगत के आए सी? मतलब लोगों का इतना मूर्ख नहीं बनाया जाना। और मैं अज कह सकदा कि यह सारी करप्शन के पिछे जे जांच हो गई ते एक तो 3 मैंबरी कमेटी, मैं तो लगता उन्होंने नहीं कहता, उन्होंने खरगे साहब हो गए, किहड़े किहड़े सी खरगे साहब, हरीश रावत जी, अग्रवाल जी, कि उहदे ते इन्ने च मन जाना, उन्हें इन्ने च मन जाना, तू पा दे दाणा, ते मोहर लग गई उत्तों बीबी जी दी, आशीर्वाद मिल गया। ये तो कमाल की गल हो गई यार, हाउ कैन दिस काइंड ऑफ करप्शन बी टॉलरेटेड इन टूडेज वर्ल्ड? सो आई डिमांड एन इमीजिएट डिसमिसल। और मैं कहूँगा जे गवर्नर साहब नूं कोई मुश्किल हो रही है, राष्ट्रपति जी सुमोटो एक्शन इस ते लैण और पंजाब दी देश दी डेमोक्रेसी नूं बचाउण दा काम करन, नहीं तो इस तरीके दी नेरगर्दी धक्केशाही कि किसानी नूं नौकरी नहीं मिलती, किसान खुदकुशी परिवारों नूं, बेरोजगार अध्यापकों नूं नौकरी नहीं मिलती, मगर करोड़ापति अरबापतियों नूं तरस दे आधार ते किसी नूं नायब तहसीलदार, किसी नूं DSP और किसी नूं इंस्पैक्टर की पोस्ट पर भर्ती किया जा रहा। थोड़े कुछ सवाल जी बाकी आ, मैं थोड़ा सारे कागज दे ही दूंगा, और मैं ऑन रिकॉर्ड ये गल जरूर कहना चाहना, भावें पता नहीं तुसी अखबार दे ली पाता, कुछ वजीर ने पाया रौला, मगर फिर मोर क्यों लाई? गाह पा देंगे यह जी कैबिनेट से, फिर मैं समझता कि तुसी वाकई काम करके हो, मगर अंदर हाँ कर आए हो, बाहर आके लोगों मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों ने इतना मूर्ख नहीं बनना। देखो पहली गल तो गवर्नर साहब आप उन्होंने, मैं तो सुमोटो की गल की है, जे कितने उन्होंने सुनने से या वेखण से या पढ़ने से कोई रह गया अंतर तो असी जरूर मिलांगे, जरूर मिल के कहांगे कि इतों स्पष्ट करप्शन हो कितने सकती है। मतलब पार देखो एक गल है, लीगलाइज करता करप्शन नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने और कांग्रेस पार्टी ने। देखो कल की दे खिलाफ बोले, जरा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस वेखी सी, की दे खिलाफ बोले? सारे जो ने बाजवा साहब फतेह जंग प्रताप सिंह बाजवा जो कार्मी अफसर ने सारे की पहला कंसेंट चाहिए है कि साडे बच्चों ठीक ठाक है दे दो, जेडे भी किसी कंसेंट नहीं दी फिर होर इलीगल है। सर्विस रूल थोनू ना कापी दे देना, मतलब कि जे दो भरा केड़े भरा नू नौकरी मिलनी है और दूजे नू लिख के देना पैना कि मैनू कोई ढिड पीड़ नहीं इनू दे दिओ। हुण
कल की जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस सी बाजवा साहब तो चलो पहला तो कैप्टन कल तो सिर्फ एक्स वो जिहड़े आई एस अफसर है उन्होंने बरी गए तो बोले ही नहीं कुछ चलो पता नहीं की अंदर खाते मैं क्या जी डिसमिस करांगे सारयां नूं और परचा दवांगे 100% अज लिख लियो कौन कहती है अच्छा जी हुण उन्हां तों सर्टिफिकेट लवांगे जिहड़े ऑफिशियल करप्ट ने इसलिए वो की कहिंदे आ नहीं कहिंदे कांग्रेसी उन्हां तों सर्टिफिकेट दी तां लोड़ नहीं साडी तां पहली मंग है गवर्नर साहब कोलों ते राष्ट्रपति साहब कोलों इन्होंने बेरोजगार नौजवान शहीद किए हैं इन्होंने और दूजी गल जिहड़े किसानां दा हक मंगदे आ जिन्हां दे प्रति इन्हां दा वायदा सी जिहड़े सिंगू ते टिकरी बॉर्डर ते बैठे शहीद होए आ उन्हां परिवारां नूं पहला नौकरी देण जब उन्हां दे सारे किसानां दे घर पूरे करते बेरोजगार अध्यापकां दे करते इन्हां मैडल विनर्स दे करते ओलंपियंस दे करते पैरा ओलंपियंस दे करते उस तो बाद भावें राहुल गांधी नूं दे देण तरस दी नौकरी मेरी ढिड को मैनूं कोई प्रॉब्लम हाँ जी लग जाऊ पता थानू 100% ही उतरूगा हाँ जी वेखो मैं सब तो अज अपील करदा थोड़े राही कि जिन्ना भी नौजवानों को 17 च गुटका साहब की सहु खा के दमदमा साहब की पवित्र धरती से खलो के साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चरणा वल धक के सहु खाधी सी ते फार्म भराए सन अज उन्हां कोल वड्डा मौका कि आप दे जिन्हां ने थोड़े तो फार्म भराए उन्हां नूं घेरो और अखीर च आके वड्डा धावा कैप्टन अमरिंदर सिंह ते इन्हां दे वजीरां दे खिलाफ बोलो कि फार्म तुसीं भरदे रह गए ते नौकरियां आ करोड़पति अरबपति लै गए मैं तो अगे कह रहा जी कि जो गलत है जो कुछ हो रहा है देखो मेरी फिर उही मैं गल ही इस तो शुरू की मेरा वीर कि जिन्हां नाल किसानी अंदोलन च शहीद होए किसान परिवारों के नाल मैनीफेस्टो च जिहड़ा वायदा किया खुदकुशी वालिया नाल जेड़े एहे जिया बच्चिया जिहड़ियां वाकई लोड़वंद ने जिन्हां दा चाचा ताया पापा कोई एम पी जां वजीर नहीं उन्हां दे तरस करो तरस दा मतलब समझो पंजाब सरकार ते सुप्रीम कोर्ट की कहिंदी है अपने ते तरस ना करो आपकी कुर्सी बचाउण ते इह तां सैल्फ तरस हो गया कि मेरी कुर्सी तां बचू जे मैं इहदे इहनूं नौकरी दूं नहीं तां मेरे ते तरस किसे ने नहीं करना मेरा मुख्यमंत्री दी कुर्सी खो लेनी ये तो क्लीयर कट ब्रॉड डेलाइट डाका बज रहा डाकू मंगल छा छोटा पाता इन्होंने तो ये तो उदाहरण दया कर डाकू मंगल छा तो बाद एक बड़े डाकू आए थे जिन्होंने दिन दिहाड़े कैबिनेट की मोर न डाके मरवा रहे हैं जी इन्हों पुछ लैन दे यार जरा देखो असी एक अद्धे दिन च मंडे नूं या ट्यूजडे नूं इहते विस्थार पूर्वक प्रेस कॉन्फ्रेंस करांगे मगर मैं मोटा मोटा थोनू एक दस दिया कि इंपलॉईज नाल किड्डा वड्डा धोखा ते धरो कीता ਰਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜੋ ਬਣੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਣ ਬਿਣ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਪਿਆ
चंगी गल है, सवाल करो, तिखी सवाल करो, मगर आप असलीयत करिए कि अज की है। ये तो कल सरकार की बनूगी, वो की मैनीफेस्टो च हो गए वैदे उदो गल तुम पूछ लियो सवाल। अज जी बनी है वह दिन दिहाड़े जेडे डाके मार रहा है, शरेआम करप्शन कर रहा, वह फिक्र कर लो। आप कह रहे हैं यूथ को सड़कों पर आना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, तो यूथ अकाली दल भी तो एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्यों नहीं इस पे? आज यूथ अकाली दल वैसे पहले तो लड्डू बांट रहा जी, बड़ा तगड़ा फैसला कर दिया। देखो एडे मतलब बेरोजगार सी जेड़ा 15 लाख की तो घड़ी पाउंदे आ, उन्हां दे न्याणे नूं नौकरी देती, मतलब होर कि पहला तो इन्हां दी खुशी मना लीए, फिर कढ़ांगे जलूस इन्हां दा सोमवार तो चज के। जिथे भी यह नौकरी करते उ जाके रौला पावांगे, हुण शुरू करांगे ओ डिप्टी तो। बरिंदर ढिल्लो नूं कई कि सोनिया गांधी ने कहा फिर इन्हां नूं देण लई ते सरकार तदे बचूगी। जे जेड़ा वायदा कीता सी बरविंदर ढिल्लो वर्गिया ने, आ चीमा साहब उहदे बारे बैटर दस देणगे, फार्म इन्हें भी भराए सी, उन्हां नूं देती रोपड़ नौकरी इन्हां ने, जिन्हां नाल नौकरी का वायदा होया, खुदकुशी जिन्हां दे परिवार करके, वह हकदार नहीं। जेड़े चंगे भले महलों च रह रहे वह हकदार हो गए। नहीं ऐ तो बीबी जी तुसी थोड़ा ठीक है, थोड़ा सवाल इन थोड़ा होर तब्दील कर लो। ऐ तो कैप्टन साहब कह रहे मेरी कल्ली सरकार है जी ने 100% ही वायदे पूरे करते, 84.6 क्या सीगा कि प्रेस बयान च, विधानसभा आके कहता 100% कहता पहली सरकार होनी दे पंजाब च, हुण ओह की कह रहे है की नहीं कह रहे, मतलब वह तो मर्दी की ना करती, वह तो हालात बने पे है, तो उन्होंने बारे घट ही जिक्र किया जाए तो चंगा। अज जो साडे कोल है जी खबर, और कुछ चैनल ने चलाईया भी है जी, कि बड़ा स्पष्ट है कि जेड़ा भाजपा जा जेड़ा ओदे सब जेड़ा इस काले कानूनां दे हक च है उन्हां दा। देखो मैं कल बेनती कर दिया, असी पंजाब दे लोकां ने सानू कोई जिम्मेवारियां दित्तियां, चुने हुए नुमाइंदे आ, लोकां नाल पिंडां च शहरां च जाके दुख सुख करना कि पंजाब दी सभ्यता, और मैं समझदा किसान यूनियन इस गल नूं साडे तो बेहतर समझदी कि जिहड़ी भाईचारक रिश्ते ने सांझ है उन्हों मैं समझदा कि ना कि जोड़ा फैसला होया तदे उन्होंने आप तब्दील कर लिया। देखो किसी नूं थोड़ी फैमिली च मेरी फैमिली च किसी दी वड्डा परिवार हुंदा MLA दा MP दा उन्हें तो दुख सुख करन जाना ही पैना जी, ये थोड़ी कि आप दे रिश्ते तोड़ देंगे। मुलाजम की गल का दसन लग्या सीगा तुसी विच ही, अज मूड आया नहीं। बहुत वधिया, वेरी इंपोर्टेंट सवाल जी। देखो एक होर कमाल की गल इस अपॉइंटमेंट च वेखन नूं मिली है, जिवें चीमा साहब ने पहला जिक्र किया, पहली गल तो न्याणा जमया नहीं सी तां नौकरी देती, ठीक है जी, शायद हले विआह भी नहीं होया सी, तुसी मतलब वह भी छड़ दिओ। फिर अगली गल तुसी वेखो कि जेड़े न्याणे नूं नौकरी दित्ती ओह करोड़ापति बंदा, तीजी गल कि जेड़े बेसिक जेड़े कोई पढ़िया लिखिया बच्चा नौकरी लैण चले जांदा उहनूं कहिंदे तेरी क्वालिफिकेशन घट है, इहदे च क्वालिफिकेशन भी नहीं पूरी सी कई केसां च तां भी देती नौकरी, ते जेड़ा ब्राइट स्टूडेंट है पढ़िया लिखिया स्टूडेंट है होनहार बच्चा या बच्ची है उहदे वेले तां नौकरी लई खजाने खाली खजाना मंत्री दे, ते जिन्हां दी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी नहीं या तरस दे आधार दे उस डिस्क्रिप्शन च भी नहीं आउंदे ते फिर भी उन्हूं नौकरी मिल रही है, मतलब अगली पीढ़ी नहीं तीजी पीढ़ी नूं जाके मिल रही, कमाल हो गई यार। सुप्रीम कोर्ट दी गाइडेंस भी तुसीं दिखा रहे हो, क्या तुसीं इस चैलेंज भी दोगे कोर्ट? देखो स्टेप बाय स्टेप है 100%, असीं अज आपदी लीगल टीम नूं एक केस स्टडी करन ते लावांगे,
और सारे केस नू स्टडी करके जे होर नहीं साडी गल मन्नी होई तो बिल्कुल असी जाके इन्हां नियुक्तियां नू चैलेंज भी करांगे। बाकी असी समझदे कोर्ट दा फैसला, क्योंकि अजकल कोर्ट लग नहीं रहा, वह देरी हो सकती है, गुरु कृपा करे बाई चे वो ऐसी डिसमिस करके परचा दे देंगे इन्हां ते सारयां नू। मिलन तो पहला कि मैं तेरे काके नू पप्पू नू भी तरस ते नौकरी दे सकदा, तू मेरे ते ना एवें चक कर। देखो पे कमीशन की पहली गल है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह पे कमीशन लागू करना सी 17 च, मगर इंपलॉइज प्रति बेईमान सोच एड्डी तगड़ी है कि उस कमीशन नू एक्सटेंड कर करके ईवन जदों विधानसभा दे अंदर भी ये गल आखी कि असी अप्रैल तो या जून तो इनू लागू कर देंगे, हुण करके अगे जुलाई ते लै गए, और जेड़ा वादा कीता है उहदे वास्ते पैसे इन्हां ने किहड़े साल दे देने, उहनूं कहिंदे असी 16-17 दे देवांगे, एक किश्त 16 दी देणगे ते अगे चोण आ जू, मतलब आप तो जिम्मेवारी निभा के कोई नहीं जाणगे, और जेड़े सारी जिम्मेवारी अगली सरकार ते छड़ के जाणगे, आप इन्होंने कख नहीं किया, मतलब जेड़े बनते पत्ते सी उन्ने पैसे भी नहीं दे के जाणगे, और जेड़ा हाँ मैं वो गल कह रहा जे अरेयर्स का ही पूरा जोड़ ला लो तो उही 5,000 करोड़ बनता सी, मगर इन्हों के हिसाब न 2,500 करोड़ कला देंगे, वह भी 16 का ते 17 दा, 18 दा, 19 दा, 20 दा, 21 दा, 22 दा, जेड़ा इन्हां दी जिम्मेवारी बनती सी अगली सरकार दऊगी। हाँ तो अगली सरकार दऊगी ना, इन्होंने कितने हुण इलैक्शन कमीशन कि इन्हां को तो पता इन्होंने बन जाना, इन्हें तो आप ही जित जाण बड़ी प्राप्ति हो इन्हां नूं। और दूजी गल जेड़े मुलाजम कच्चे सी जिन्हां नूं पक्के करना सी उन्हां दा तां जिक्र ही कित्थे नहीं आया, उन्हां तां ठगी मच गई सीधी, और जेड़े अरेयर की गल है वह कदों तो किड़े तो लैन गए अरेयर, जब पिछले नहीं दिते सारा सैलरी तो इफेक्ट जाना, बड़े ही चीज़ा ने, इसलिए असी इनू इन डेप्थ, क्योंकि देखो खजाना मंत्री एक तो असं समझ गए वह कहें कुछ है करते कुछ है, हाथ की सफाई बड़ी है उन्होंने, हूँ तो मुलाजम भी वेखूगा कि उन्हें हाथ की सफाई जेब च कि नुकसान होया, तो ऑपोजिशन पार्टियां भी थोड़ा समा लगेगा समझ के दसन, बाद होंगे ना पुलिस आँदी है वेखदी है कितने कितने चोरी हुई है, कितों बढ़िया कितों की किया कि गया समान कि रह गया, तो थोड़ा दसागे हम सोमवार मंगलवार। हाँ जी मैं वो कह रहा 5,000-7,000 करोड़ तो कला डीए का ही पिया होया पहला, वह तो मैं लगता खुरतबुरत ही हो गया काम विच। देखो मैं थानू अगे दसिया तुसी सानू राज पुछदे हो, तुसी तृप्त बाजवा जी कोल जाओ, उन्हां दे घर दे तुसी जिहड़ा प्यार नाल मनाओ, ते उन्हां ने सारे राज खोल देने, तृप्त बाजवा जी नूं सारी गल दा पता, और मैनू अफसोस है कि पता हुंदिया भी देखो ये सहु खाधी है इन्हों कि असी सही गल करांगे, सौ सच जानते हुए भी अंदर इन्होंने वो सच नहीं रखिया, इतने इन्हों पर भी कार्रवाई होगी जे ना सच रखिया, ये पूछा जाऊगा इन्हों, क्योंकि कई बार ये दस चुके कैप्टन साहब आप चिट्ठी लिख चुके सोनिया गांधी तुसी भुल गए हो, चिट्ठी एक चिट्ठी लिखी सी ना, फिर वो भी कढ लो। थैंक यू। एक मिनट चीमा साहब एक बेनती है चीमा साहब आयो, एक असी जी श्रोमणी अकाली दल अज पंजाब, श्रोमणी अकाली दल अज ये जरूर पंजाब सरकार कोलो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोलो असी ये मंग करते हैं कि जिड्डी वड्डी शख्सियत सरदार मिल्खा सिंह जी सीगे उन्हां दी शख्सियत दे सत्कार वजो और जिन्ना वो एक मोटिवेशनल चानन मुनारा सन आने वाली पीढ़ी वास्ते इंस्पिरेशन सी, उन्हां दी याद विच कोई एहे जी ढुकदी ढुकवी स्पोर्ट्स दी अकैडमी तैयार होवे
जिथे आने वाले समय से कई बच्चे बच्चिया उन्हां तो इंस्पिरेशन लैके देश का पंजाब का नौ रोशन कर सकन। ये सब तो वड्डा मैं समझदा अज दे समय से सत्कार वजो सरकारां दा फर्ज बनता है कि यह काम करना चाहिए और कैबिनेट इमीजिएटली बुला के इस नूं अनाउंस किया जाए।